हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनोमस कॉलेज रायगढ़। आज हम एमएससी सेमेस्टर फोर्थ जूलॉजी के ऑप्शनल ग्रुप वन पेपर फोर्थ अप्लाइड फिशरीज के यूनिट थर्ड चैप्टर फोर्थ के अंतर्गत फिश फार्मिंग का अध्ययन करेंगे। फिश फार्मिंग को हमने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से तीन भागों में विभाजित किया हुआ है, जिनमें पार्ट वन में प्लानिंग ऑफ ए फिश फार्म का अध्ययन हमने किया हुआ है, पार्ट टू में कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म का अध्ययन किया हुआ है, और इसी क्रम में हम फिश फार्मिंग के अंतर्गत पार्ट थ्री में मेंटेनेंस ऑफ ए फिश फार्म का अध्ययन करेंगे। फिश फार्मिंग के ये तीन चरण हैं, पूर्व में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है। स्टेज वन प्लानिंग, स्टेज टू कंस्ट्रक्शन, और अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्टेज थ्री मेंटेनेंस ऑफ ए फिश फार्म। फिश फार्मिंग में मेंटेनेंस और मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत हम निम्नांकित बिंदुओं पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस जिसमें क्रमशः वाटर सिस्टम, फिजिको केमिकल फैक्टर्स, कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ पॉन्ड बॉटम, लाइमिंग ऑफ पॉन्ड, फर्टिलाइजिंग द पॉन्ड, प्रिवेंशन ऑफ फिश डिजीजेस, कंट्रोल ऑफ वीड फिशेस एंड प्रीडेटरी फिशेस एंड अदर प्रीडेटर्स, आर्टिफिशियल फीडिंग, फिश हार्वेस्टिंग का अध्ययन करेंगे, और मेंटेनेंस के अंतर्गत निष्कर्ष और इससे संबंधित रेफरेंस के बारे में भी देखेंगे। आइए हम मेंटेनेंस ऑफ ए फिश फार्म के बारे में अध्ययन शुरू करें। इंट्रोडक्शन, फिश फार्मिंग के लिए जिस उद्देश्य को लेकर के प्लानिंग की गई थी और जिस तरह के फिशेस का सिलेक्शन करते हुए फिश फार्म में पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, उसके उपरांत बनाए गए पॉन्ड में निर्देशानुसार पॉन्ड वाटर फिलअप किया गया, और उस पॉन्ड वाटर में जो सेलेक्टेड वैरायटी है फिशेस की जिनका कल्टीवेशन किया जाना है उनको इंट्रोड्यूस किया गया। कंस्ट्रक्शन के उपरांत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें फिश फार्म के सक्सेस के लिए देखना और उन्हें मैनेज करना आवश्यक होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। इस मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में जो प्रमुख बातें निहित हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो इस तरह से हैं। पहला, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द वाटर सिस्टम। दूसरा, कंट्रोल ऑफ फिजियो केमिकल फैक्टर्स ऑफ पॉन्ड। तीसरा, कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन ऑफ पॉन्ड। चौथा, रिस्टोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉन्ड बॉटम। पांचवा, लाइमिंग ऑफ पॉन्ड। छठवा, फर्टिलाइजिंग द पॉन्ड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। सातवां, प्रिवेंशन ऑफ फिश डिजीजेस। आठवां, कंट्रोल ऑफ वीड फिशेस एंड प्रीडेटरी फिशेस एंड प्रीडेटर्स। नौवां, आर्टिफिशियल फीडिंग। दसवां, फिशिंग और हार्वेस्टिंग। इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस के अंतर्गत पहले हम देखें वाटर सिस्टम के बारे में।
वाटर एक रिसोर्स के रूप में होता है और इसी वाटर में फिश का कल्टीवेशन करके मनी जनरेट की जाती है, और इसलिए आवश्यक है कि वाटर सिस्टम का जो मैनेजमेंट है, जो मेंटेनेंस है, उसको प्रॉपरली और समय पे किया जाए। खास तौर पे वाटर सिस्टम के अंतर्गत इनलेट, आउटलेट, ओवरफ्लो, ड्रेनेज सिस्टम, इन्हें परफेक्ट होना चाहिए और इनकी निरंतर देखभाल करनी चाहिए। मेंटेन द रिक्वायर्ड पॉन्ड वाटर लेवल। हर पॉन्ड में कल्चर प्रैक्टिस के अनुसार वाटर का जो लेवल है वो निर्धारित होता है, और इसलिए हर पॉन्ड में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो वाटर सिस्टम से जुड़े भाग हैं, खास तौर पे जो उनके इनलेट, आउटलेट, ओवरफ्लो, ड्रेनेज इत्यादि हैं, इन सब के जो ब्रोकन पार्ट्स हैं, टूटे हिस्से हैं, जहाँ पर लीकेज इत्यादि हैं, जहाँ पर सीपेज इत्यादि हैं, इन सब को समय पे रिपेयर भी करना चाहिए, उनका मरम्मत और उनका नवीनीकरण भी करना चाहिए। इसके अलावा पॉन्ड में, क्योंकि वाटर एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, इसलिए हर पॉन्ड में पानी की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। आइए दूसरे क्रम में हम देखें कंट्रोल ऑफ फिजिको केमिकल फैक्टर्स। पॉन्ड वाटर का जो फिजिको केमिकल फैक्टर है, ये पॉन्ड वाटर की प्रोडक्टिविटी और फिश की प्रोडक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम फिजिकल फैक्टर को देखें तो इसके अंतर्गत टेम्परेचर, डेप्थ, पॉन्ड, लाइट और वाटर मूवमेंट शामिल हैं। केमिकल फैक्टर्स में पानी का पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स महत्वपूर्ण हैं। इम्पॉर्टेंट जो मेजरमेंट है, मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत हम देखें फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है जो पॉन्ड की एक्टिविटी को सीधे सीधे प्रभावित करती है। टेम्परेचर सर्वाइवल रेंज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिशेस का जो ग्रोथ और सर्वाइवल रेंज होता है वो एक निश्चित तापमान के मध्य बेहतर होता है। तापमान में किसी भी तरह का वेरिएशन, चाहे वो मिनिमम से कम की ओर या मैक्सिमम से और अधिकता की दिशा पर होता है, तो वो पॉन्ड के लिए नुकसानदायक होता है। उदाहरण के तौर पर मेजर कार्प, इसका जो ग्रोथ है और इसमें जो स्पॉनिंग है, ये सर्वोत्तम होता है 20 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के तापमान के मध्य में। इसी तरह तेलपिया के कल्चर में उसका जो ग्रोथ, उसका जो स्पॉन है, वो बेस्ट होता है 20 डिग्री और 23 डिग्री के रेंज में। इसी तरह एयर ब्रीदिंग फिशेस का कल्चर यदि किया जा रहा है तो उनकी ग्रोथ और उनमें स्पॉनिंग बेस्ट होती है, सर्वोत्तम होती है 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में। तो तापमान फिशेस के सर्वाइवल के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, तापमान डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि पानी का तापमान यदि धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके अनुरूप उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन में भी परिवर्तन होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व ऑक्सीजन 14.62 होती है, वहीं तापमान बढ़ने पर 10 डिग्री हो जाने पर यह घट के 11.33 हो जाती है, वहीं 20 डिग्री के तापमान पर यह घटकर 9.17 हो जाती है, तथा तापमान यदि बढ़कर के 30 डिग्री हो जाता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घट करके 7.63 हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एक निर्धारित
तापमान में पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा सुनिश्चित होती है। अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है एक्वेटिक बायोटा। एक्वेटिक बायोटा का तात्पर्य है कि पॉन्ड वाटर में जो फ्लोरा फाउना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी प्रचुरता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यही एक्वेटिक बायोटा है जो पॉन्ड में कल्चर किए जाने वाले फिशेस को नेचुरल फूड के रूप में उपलब्ध होते हैं। टेम्परेचर ब्रीदिंग को प्रभावित करता है। ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का संबंध हमने तापमान में वेरिएशन के संदर्भ में देखा है, और उसी क्रम पे हम ये पाते हैं यदि पानी का तापमान बढ़ता है तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण से फिश की जो ब्रीदिंग है वो प्रभावित होती है। इसलिए पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, इस बात को भी ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट, फिश ग्रोथ। तापमान का संबंध फिश की ग्रोथ से भी होता है। फिश एक निर्धारित तापमान पर बेहतर और सही तरीके से ग्रो करती हैं। इस चार्ट में हमने कार्प और तेलपिया के ग्रो को अलग अलग तापमान पर प्रदर्शित किया है। यदि कार्प के लिए पॉन्ड का तापमान 20 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है तो उसमें ग्रोथ मॉडरेटली होती है, सामान्य होती है। वहीं यदि तापमान घट करके 13 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो जाए तो कार्प की जो ग्रोथ होती है वो कमजोर पड़ जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। वहीं यदि पॉन्ड वाटर का तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो कार्प की ग्रोथ पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। इसी तरह तेलपिया के ग्रोथ को हम देखें, तापमान का क्या असर होता है, तो तेलपिया 20 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वहीं यदि पॉन्ड का तापमान 12 डिग्री से कम हो जाता है तो तेलपिया की डेथ हो जाती है और वो मर जाती है। रिप्रोडक्शन का भी तापमान से सीधा संबंध होता है। तापमान रिप्रोडक्शन को प्रभावित करती है। जैसे यदि हम साइपरनिड और बहुत सारे सिल्वरनिड फिशेस को देखें तो उनमें गोनेडियल मैच्योरिटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर उन्हें समर सीजन पर उपलब्ध होता है। इसी तरीके से गोनेडियल मैच्योरिटी के बाद स्पॉनिंग के लिए गैमेट रिलीज करने के लिए उन्हें डाउन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और ये डाउन टेम्परेचर उनको मानसून सीजन पर मिलता है। यदि क्लाइमेट में टेम्परेचर में किसी तरह का परिवर्तन हो जाए, गोनेडियल मैच्योरिटी उनमें हो चुकी है लेकिन मानसून में यदि डिले होता है, मानसून में विलंब होता है, तापमान जो स्पॉनिंग के लिए आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में गोनेडियल मैच्योरिटी के बाद स्पॉनिंग पोस्टपोन रहती है। इसका आशय ये हुआ कि टेम्परेचर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉन्ड में पानी के तापमान को मेंटेन करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और इसके लिए पॉन्ड वाटर के तापमान को मेंटेन करने के लिए जहां दो तरह के आउटलेट को रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि पानी का तापमान पॉन्ड वाटर का बढ़ गया है तो ऊपर के गर्म पानी को, पॉन्ड वाटर को रिमूव करना होगा, और इसलिए उस पॉन्ड में पानी के ऊपर की सतह पर, या हम कहें पॉन्ड के ऊपर के लेवल पे जो ड्रेनेज पाइप लगा हुआ है, उस पाइप को यदि खोल दिया जाए, वाल्व को खोल दिया जाए, तो पॉन्ड के सरफेस पर जो वार्म वाटर होता है वो वहाँ से ड्रेन ऑफ हो जाता है, और ड्रेन ऑफ करने के बाद वाल्व को बंद करके
उतनी ही मात्रा में फिर से फ्रेश वाटर उस पॉन्ड में एड कर दिया जाता है, जिसके कारण से पानी का तापमान मेंटेन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि पानी का तापमान निर्धारित तापमान से कम है, तो ये जो कोल्ड वाटर है ये पॉन्ड के बॉटम की सतह पर होता है, और ऐसी स्थिति में इस कोल्ड वाटर को रिमूव करने के लिए उस पॉन्ड के नीचे के साइड पर जो ड्रेनेज लगा हुआ है उसका वाल्व खोल करके कोल्ड वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। तत्पश्चात वाल्व बंद करके रिमूव किए गए पानी की मात्रा के बराबर फ्रेश वाटर इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पॉन्ड में पानी का जो तापमान है वो फिश की आवश्यकता के अनुसार मेंटेन किया जा सकता है। आइए दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है ये है डेप्थ, डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी के लिए पॉन्ड की डेप्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि पॉन्ड शेलो है, शेलो का तात्पर्य यह है कि उसकी जो गहराई है वो 2 मीटर के ऊपर है, ऐसी स्थिति में जो लाइट का पेनिट्रेशन है वो 2 मीटर तक के हो सकता है, और 2 मीटर तक का जो एरिया होगा वो इसके फोटिक जोन में आएगा और वहां पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होंगी। डीपर पॉन्ड, यदि पॉन्ड की गहराई बहुत ज्यादा है तो 2 मीटर के बाद का जो वाटर टेबल है उसमें लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा, और लाइट का पेनिट्रेशन न होने के कारण से वह जो जोन है नॉन फोटिक जोन पे आएगा, और नॉन फोटिक जोन में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी न होने के कारण से इनमें पानी काफी ठंडा होने लगेगा, और साथ ही साथ इनमें पॉइजनस गैस का एक्युमुलेशन या उनका एकत्रीकरण होने लगेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। इसी क्रम में यदि पॉन्ड वाटर काफी शेलो है तो शेलो होने के कारण से लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो काफी हार्ड होगा, और लाइट पेनिट्रेशन हार्ड होने के कारण से वाटर वार्मिंग होगी, और वाटर वार्मिंग होने के कारण से जो फ्लोरा और फाउना है, जो फिशेज हैं, वो भी प्रभावित होंगी, क्योंकि पॉन्ड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है टर्मिडिटी। टर्मिडिटी का आशय यह है कि वाटर टेबल में सस्पेंडेड पार्टिकल की मौजूदगी, और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं क्ले के रूप में, मड के रूप में, प्लैंकटॉन्स के रूप में, और डिवाइड होते हुए ऑर्गेनिक मैटर्स या उसके पार्टिकल के रूप में हो सकते हैं। यदि टर्मिडिटी बहुत ज़्यादा है तो हाई टर्मिडिटी होने के कारण से लाइट का पेनिट्रेशन प्रभावित होगा, जिसके कारण से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रभावित होगी, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रभावित होने के कारण से पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, और इसके कारण से फिश की जो ब्रीदिंग है वो प्रभावित होने लगती है। चौथा महत्वपूर्ण कारक है लाइट। लाइट ये कई तरह से पॉन्ड को प्रभावित करता है। लाइट का जो इंटेंशन है, जो इंटेंसिटी है, वो किस तरीके से होती है, कैसे प्रभावित करती है, वो हम देखें कि लाइट का जो पेनिट्रेशन है उसे प्रभावित करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यदि वेदर क्लाउडी है तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य की रोशनी होती है वो मध्यम हो जाती, धीमी हो जाती है, जिसके कारण से पॉन्ड में लाइट का पेनिट्रेशन एक निर्धारित फोटिक जोन तक भी नहीं हो पाता है। दूसरा, डेप्थ ऑफ पॉन्ड। यदि पॉन्ड काफी गहरा है तो 2 मीटर के बाद का जो डेप्थ है उसमें लाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। तीसरा, टर्मिडिटी ऑफ वाटर। यदि पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत ज्यादा है, उसकी टर्मिडिटी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये टर्मिडिटी लाइट के पेनिट्रेशन को रोकती है। और चौथा है प्रेजेंस ऑफ सैडी प्लांट्स। यदि पॉन्ड के मार्जिन पर, उसके बैंक या तट पर शेडी प्लांट्स लगे हुए हैं, सघनता से लगे हुए हैं, तो इनके कारण से भी लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो पॉन्ड में प्रभावित होता है। और हम ये जानते हैं
पॉन्ड में लाइट की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि ये पॉन्ड की फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। रिजल्ट, पानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहती है। रिजल्ट, पानी में या पॉन्ड में भोजन की उपलब्धता बनी रहती है और इस तरीके से पॉन्ड की जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो बेहतर होती है। केमिकल फैक्टर्स के बारे में हम देखें। केमिकल फैक्टर्स में पहला महत्वपूर्ण फैक्टर है पीएच। इसको हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। पीएच रेंज पॉन्ड और फिश दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालता है। यदि पॉन्ड एसिडिक है, पॉन्ड वाटर एसिडिक है, तो जाहिर है उस पॉन्ड में जो फिशेज होंगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। और यदि पीएच 6 है, ऐसी स्थिति में पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और यदि पॉन्ड में पानी का जो पीएच है वो 6.8 से 9 के मध्य होता है तो यह पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी के लिए अनुकूल होता है, पॉन्ड की फर्टिलिटी के लिए भी अनुकूल होता है। दूसरा है डिजॉल्व ऑक्सीजन। पॉन्ड वाटर में ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य होती है और ये ऑक्सीजन फिश की ब्रीदिंग एक्टिविटी के लिए अति आवश्यक होती है और इसलिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल पॉन्ड वाटर में बनाए रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यदि पॉन्ड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिशेस के द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं और इन संकेतों में से पहला है कि वो पानी की सतह पर आकर के वायुमंडल से हवा अपने मुंह पे भरकर सांस लेने का प्रयास करती हैं और दूसरा उन फिशेस के ओपरकुलम ये बाहर की ओर फैल जाते हैं, वो तनाव में दिखाई देने लगते हैं। अतः पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ये पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को सीधे सीधे प्रभावित करती है और हम ये जानते हैं कि पॉन्ड में एनिमल और प्लांट्स के रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसी तरह से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के कारण से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली ये कार्बन डाइऑक्साइड पॉन्ड वाटर में मिक्सअप हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम के साथ मिलकर के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाता है और इसी तरह से वह कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ भी मिक्सअप होकर के कंपाउंड बनाता है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये मिनरल के प्रमुख स्रोत होते हैं जिनका इस्तेमाल पॉन्ड में जो फ्लोरा और फाउना है उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में या मेंटेनेंस में ये ध्यान देना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड का पॉन्ड में जो यूटिलाइजेशन है उसके बीच में बेहतर संतुलन स्थापित रहे। तीसरा जो केमिकल फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स ये मूलभूत आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। जो भी प्राइमरी फूड हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है और फिश को भी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता अपने ग्रोथ के लिए होती है। तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो पॉन्ड के लिए आवश्यक हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और यदि ये न्यूट्रिएंट्स पॉन्ड वाटर पे हैं पर्याप्त मात्रा में हैं तो इनके बेनिफिट्स में हैं तो इनके कारण से फिश की ग्रोथ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ, जूप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ ये बहुत अच्छी होती है जिसके कारण से पॉन्ड में भोजन की प्रचुरता बनी रहती है और प्रचुर भोजन होने के कारण से फिश की जो ग्रोथ होती है वो भी सुनिश्चित बनी रहती है। यदि किन्हीं कारणों से
इन न्यूट्रिएंट्स की कमी वाटर एनालिसिस के माध्यम से पता चलता है। तो जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देती है, उन कमियों को फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके दूर किया जा सकता है। इसलिए वाटर एनालिसिस करते समय ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एनालिसिस, उनका परीक्षण भी आवश्यक है, ताकि कमी की स्थिति में उनको सप्लीमेंट किया जा सके। कुछ स्ट्रेस एलिमेंट भी हैं जो पॉन्ड के फर्टिलिटी के लिए अति आवश्यक होती हैं, जिनकी न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। ये है मैंगनीज, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, मॉलिब्डेनम, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि। और इनकी जो उपलब्धता है वो न्यूनतम मात्रा में पॉन्ड में स्वीकार्य होती है। तीसरा हम देखें कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन। पॉन्ड में स्वाभाविक रूप से वेजिटेशन की ग्रोथ बनी रहती है, और ये जो वेजिटेशन है ये फिश के प्राकृतिक भोजन के रूप में भी होते हैं। लेकिन यदि इनकी मात्रा संतुलित है तो ये पॉन्ड के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन यदि इनकी ग्रोथ असंतुलित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो यही एक्वेटिक वेजिटेशन कई तरह की समस्याओं को भी पैदा करता है। एक्वेटिक वेजिटेशन के रूप में पॉन्ड में मौजूद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, स्कम, फ्लोटिंग प्लांट, इमर्जेंट प्लांट, सबमर्स्ड वीड्स और मार्जिनल वीड्स। यहाँ पर इन सभी की मौजूदगी यदि नियंत्रित होती है तो ये फिश कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन यदि इनकी ग्रोथ एक्सेस हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, ये पॉन्ड के लिए और साथ ही साथ फिश के लिए भी कई तरह की समस्याएं पैदा करती हैं। हमने एक टेबल के रूप में पॉन्ड वेजिटेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को प्रदर्शित किया है। एडवांटेज का तात्पर्य यह है कि जब ये कंट्रोल्ड कंडीशन पे होती हैं तो वो उनके फायदे हैं, और डिसएडवांटेज का मतलब है एक्वेटिक वेजिटेशन की मौजूदगी, उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इनको हम डिसएडवांटेज कहते हैं। तो एडवांटेज में पहला है ये फूड के रूप में उपयोग आते हैं। प्लैंकटॉन्स, सबमर्स्ड एंड अदर वेजिटेशंस ये मछलियों के प्राइमरी फूड के रूप में, खास तौर पे जो हर्बीवोरस फिशेस हैं उनके लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, ये एग डिपॉजिटिंग प्लेसेस भी होते हैं। जो मछलियां होती हैं वो अपने अंडों को इन्हीं एक्वेटिक प्लांट पर स्टिक करती, उन्हें चिपका करके रखती हैं, तो ये एक्वेटिक वेजिटेशन उनको ब्रीडिंग प्लेस भी प्रोवाइड करता है। शेल्टर के रूप में भी एक्वेटिक वेजिटेशन उपयोगी है। कभी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, पॉन्ड में उनके एनिमीज हों, तो उनसे बचने और उनसे छुपने के लिए ये एक्वेटिक वीट काफी सहायक होते हैं। ये एक्वेटिक वीट प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करते हैं। दे प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन फॉर फिशेस। एक्वेटिक फाउना जो दूसरे तरह के फाइटोप्लैंकटन्स हैं उनकी ग्रो के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा एक्वेटिक वेजिटेशन ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती हैं। इसके अतिरिक्त ये एक रिसाइकलिंग मीडिएटर के रूप में भी काम करती हैं। सॉयल के अंदर कई तरह के उपयोगी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये एक्वेटिक वेजिटेशन अपने रूट के द्वारा उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर समाहित करती हैं और उन्हें डिकम्पोजिशन के द्वारा पानी में छोड़ देती हैं, और साथ ही साथ वो जो मिनरल्स होती हैं जब प्लांट डिके होता है तो डिके होने के कारण से ये पुनः सॉयल में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें ये जो एक्वेटिक वेजिटेशन है ये न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं। तो यदि एक्वेटिक वेजिटेशन की ग्रोथ कंट्रोल्ड होती है तो ये फायदेमंद होती है, दे आर एडवांटेजियस, और हम कह सकते हैं एक्वेटिक वेजिटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन दे मेंटेन इको फिजियोलॉजी ऑफ द पॉन्ड। दूसरी ओर हम देखें यदि एक्वेटिक वेजिटेशन की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है तो क्या क्या डिसएडवांटेज है।
मेकिंग मूवमेंट ऑफ फिश डिफिकल्ट, सघनता से इनकी मौजूदगी के कारण से मछलियों को पॉन्ड में सुविधाजनक ढंग से तैरने में काफी दिक्कत होती है। दूसरा, स्टॉप वाटर फ्रॉम वार्मिंग, पानी के तापमान को मेंटेन करने के लिए लाइट का पेनिट्रेशन आवश्यक है, लेकिन यदि पॉन्ड वेजिटेशन बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में लाइट का पेनिट्रेशन पॉन्ड वाटर में प्रभावित होता है और इसलिए पॉन्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड रेंज पे न होकर के वो कूल होने लगता है। तीसरा, एक्वेटिक वेजिटेशन यदि एल्गल ब्लूम के रूप में है, और एल्गल ब्लूम जो होती है वो फिलामेंटस एल्गी के रूप में होती है, तो ये जो फिलामेंटस एल्गी हैं रेस्पिरेशन के दरमियान फिश के गिल्स में जाकर के चिपक जाती हैं और इस तरह से उनके गिल को चोक कर देती हैं और उन्हें रेस्पिरेशन में असुविधा होती है। चौथा, बहुत अधिक मात्रा में एक्वेटिक वेजिटेशन होने से जब इनका उपयोग नहीं होता है तो ये डीके होने लगती हैं और डीके होने के कारण से पानी भी ये स्पॉयल होने लगता है, पानी भी सड़ने लगता है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। बहुत अधिक मात्रा में एक्वेटिक वेजिटेशन होने के कारण से उनके द्वारा हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन किया जाता है और ये हार्मफुल गैसेस हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन के रूप में होती हैं। ये दोनों प्रकार की गैसेस जब पानी में घुलती हैं तो पानी में ऑक्सीजन के लेवल को ये स्वाभाविक रूप से कम कर देती हैं। छठवां, प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी हार्मफुल जर्म्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओवरग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ फिश के जो एनिमीज हैं, फिश के जो पैरासाइट्स हैं, जो इंसेक्ट इत्यादि हैं, उनको भी शेल्टर प्रदान करती हैं, उनकी लाइफ साइकिल को प्रमोट करने में सहायता देती हैं। सातवां, बहुत अधिक ग्रोथ के कारण से जो नेटिंग ऑपरेशन है, हार्वेस्टिंग के समय नेटिंग ऑपरेशन करना है तो नेटिंग ऑपरेशन को भी ये बाधित करती है। इसके अलावा जो आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि ये जो एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड एक्वेटिक वेजिटेशन है, ये पॉन्ड में से और पॉन्ड सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स की अधिकतम मात्रा को उपयोग में ले लेती है, जिसके कारण से वाटर में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशिएंसी होने लगती है। तो यदि हम ये कहें कि एक्वेटिक वेजिटेशन की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है तो निश्चित रूप से उसके डिसएडवांटेज हैं, और इसको हम समराइज कर सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन डिस्टर्ब्स द फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ द पॉन्ड वाटर। इफ इट इज अंडर कंट्रोल इट इज इको फ्रेंडली, when it is behind the control it disturbs the physicochemical property of the pond water. चौथा हम देखें restoration and improvement of pond bottom. Pond bottom ये pond की fertility से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है और इसलिए ये आवश्यक है कि वर्ष में एक बार पॉन्ड वाटर को पूरी तरह से ड्रेन ऑफ कर दिया जाए, और ड्रेन ऑफ करने से कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। आइए क्रमिक रूप से हम उसको देखें। पहला, कि पॉन्ड वेजिटेशन में डिकम्पोजिशन के कारण से उनका जो सेलुलोज है वो बॉटम पर एकत्रित होने लगता है और इसके कारण से वह सॉइल और पॉन्ड वाटर के बीच में एक बैरियर के रूप में निर्मित हो जाता है, जिसके कारण से वो पॉन्ड के मिनरलाइजेशन को घटा देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो यदि पॉन्ड वाटर को प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो वो उसको रिस्टोर किया जा सकता है, और ये तभी होगा जब पॉन्ड वाटर को वर्ष में एक बार पूरी तरह से ड्रेन कर दिया जाए। दूसरा, पॉन्ड वाटर में जो फिश पैरासाइट्स हैं या डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स होती हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, लीच इत्यादि होते हैं, इन सभी को
यदि पॉन्ड वाटर ड्रेन ऑफ किया जाता है तो पॉन्ड वाटर को इनसे मुक्ति मिल सकती है, उनसे फ्री किया जा सकता है। तीसरा, पॉन्ड वाटर को ड्रेन ऑफ करने के बाद पॉन्ड के रिपेयरिंग की जा सकती है, उनके वॉल्स की, उनकी बॉटम की रिपेयरिंग की जा सकती है, और साथ ही साथ जो वाटर सिस्टम है जिनमें वॉल्व्स हैं, पाइपलाइन है, ड्रेनेज है, इन सबको प्रॉपरली क्लीन किया जा सकता है या उनको रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पॉन्ड के बॉटम में जो एक्वेटिक वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन के कारण से जो मड डिपॉजिट हो रहा है उसके कारण से पॉन्ड शेलो होते चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि पॉन्ड वाटर को ड्रेन ऑफ कर दिया जाए तो पॉन्ड के बॉटम पर जो मड डिपॉजिट हुआ है उसको आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है और उस मड को फर्टिलाइजर के रूप में एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो रिपेयरिंग वर्क हैं वो भी पॉन्ड को ड्रेन ऑफ करने के बाद किए जा सकते हैं। पांचवा है लाइमिंग। पॉन्ड वाटर को पूरी तरह से ड्रेन ऑफ करने के बाद लाइम का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को लाइमिंग कहा जाता है, और लाइमिंग से पॉन्ड की जो फर्टिलिटी या पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कई तरह से रिकवर होती है, वो बेटर बनती है। आइए इसके बारे में हम देखें। पहला, लाइमिंग के कारण से चूना जब ड्रेन ऑफ किए हुए पॉन्ड के बॉटम में कुछ समय के बाद स्प्रे किया जाता है तो पॉन्ड बॉटम में जो पैरासाइट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इनको नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि लाइम में एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, लाइमिंग के द्वारा पॉन्ड के वाटर से जो एल्गी है या दूसरे तरह के फिलामेंटस एक्वेटिक वेजिटेशन है जो ड्रेन ऑफ नहीं हो पाए हैं तो इन ये सभी के सभी पॉन्ड बॉटम में बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि लाइमिंग किया जाता है तो पॉन्ड बॉटम पर उपस्थित ये एल्गी या दूसरे तरह के एक्वेटिक वेजिटेशन है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, जो एक्वेटिक इंसेक्ट का जीवन चक्र पॉन्ड में चलता है, पॉन्ड वाटर में चलता है, तो जब ड्रेन ऑफ किया जाता है तो उनके लार्वा मड पे बैठ जाते हैं, तो मड जो बॉटम पर मौजूद होता है उस बॉटम में, उस मड में जो इंसेक्ट के लार्वी होते हैं वे भी लाइमिंग करने के कारण से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। सॉयल के पीएच को टेस्ट करना चाहिए। यदि ड्रेन ऑफ करने के बाद सॉयल का पीएच 7 से 8 के बीच में नहीं है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित मात्रा में लाइमिंग डाल करके उसके पीएच को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैल्शियम पानी में उपस्थित अतिरिक्त मात्रा में जो मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या दूसरे तरह के साल्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है और यह पॉन्ड की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार होता है। कैल्शियम यह बॉटम पर सेलुलोज के डिपॉजिशन को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, क्योंकि पॉन्ड वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन के कारण से बॉटम पर जो सेलुलोज की परत जमी हुई है कैल्शियम को स्प्रेड करने के कारण से वह कैल्शियम इस सेलुलोज को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देता है और सॉयल और पॉन्ड वाटर के बीच एक बैरियर को समाप्त करता है। नेक्स्ट, अमोनियम कंपाउंड्स आर नाइट्रिफाइड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। यदि एमोनेशन के कारण से यदि वहां अमोनिया के कंपाउंड इत्यादि शेष रह गए हैं तो ये अमोनिया कंपाउंड फिश के लिए और पॉन्ड वेजिटेशन के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसी स्थिति में लाइमिंग करने से जो अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं वो
यूजफुल कंपाउंड में बदल दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड देयर नाइट्राइट्स। नेक्स्ट हम देखें कि लाइमिंग किस क्रम में किया जाना चाहिए। लाइमिंग के लिए जरूरी यह है कि किस तरह के लाइमिंग का इस्तेमाल किया जाए, कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाए, और साथ ही साथ इस्तेमाल करने के पहले सॉयल का पीएच को भी टेस्ट करना जरूरी है। एक टेबल के रूप में यहां दर्शाया गया है कि लाइम का इस्तेमाल कितने पीएच पर कितनी मात्रा पे किया जाना है। लाइम के तीन प्रकार हैं, ग्राउंड लाइम जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, यदि पीएच 4.5 से 5 के बीच में है तो ऐसी स्थिति में पर हेक्टेयर 1440 किलोग्राम लाइम का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेटेड लाइम 144 केजी इस्तेमाल करना चाहिए यदि पीएच 5 और 6.5 के बीच में है। क्विक लाइम का इस्तेमाल 200 केजी पर हेक्टेयर करना चाहिए यदि पीएच सॉइल का 6.5 से 7.5 के बीच में है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है, यदि पॉन्ड बॉटम में मौजूद सॉइल का पीएच 8.5 से 9.5 के बीच में है तो ऐसी दशा में लाइम अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार यह होता है कि पॉन्ड में लाइम के कंटेंट को यदि प्रॉपर एनालाइज नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में ओवर लाइमिंग के कारण से जो कैल्शियम है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पॉन्ड के बॉटम पर डिपॉजिट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और वह भी सॉयल और पॉन्ड वाटर के बीच में एक बैरियर के रूप में काम करता है जिसके कारण से पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे प्रभावित होती है। छठवां हम देखें फर्टिलाइजिंग द पॉन्ड। पॉन्ड में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कब, कैसे, कितनी मात्रा में करना चाहिए। आमतौर पर पॉन्ड का सॉयल और पॉन्ड वाटर उसमें कुदरती तौर पर जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए आवश्यक होते हैं और इसलिए ये पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को बना करके रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। फिर भी पॉन्ड वाटर में जो फर्टिलाइजर्स है उसका इस्तेमाल हर 15 दिन के अंतराल में किया जाना चाहिए और इसी तरह से जब लाइम का इस्तेमाल पॉन्ड के रूप में किया जा रहा है उसके 15 दिन के बाद ही दूसरे तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और इन फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से स्प्रेड करना चाहिए वाटर कॉलम में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये कई रूप में होते हैं, शीप डंग, काउ डंग, पिग डंग, पोल्ट्री डंग के रूप में। इसमें उनके यूरिन और एक्सक्रीटा भी शामिल होते हैं तो इनका इस्तेमाल भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में पॉन्ड में किया जा सकता है। जब पॉन्ड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं और डिकम्पोजिशन के कारण से इनसे रिलीज होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये प्लैंकटॉन्स के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और इसके कारण से प्लैंकटॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है और प्लैंकटॉन्स का फ्लरिश होना इस बात को साबित करता है कि पॉन्ड की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है और ये प्लैंकटॉन्स फिशेस के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड देयर डोजेस। पूर्व में भी हमने कहा कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये एनिमल हाउस से प्राप्त किए जा सकते हैं, उनका जो वॉश आउट है, उनका जो यूरिन है उसे लेकर के मिक्स किया जाएगा काउ डंग में, पिग डंग में, चिकन डंग में और उनको अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि काउ डंग का जो इस्तेमाल है ये 20 से 25 टन पर हेक्टेयर करना चाहिए, पिग डंग का इस्तेमाल 30 से 32 टन पर हेक्टेयर, और इसी तरह से चिकन डंग है
इसका इस्तेमाल 5000 केजी पर हेक्टेयर किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेड डोज हैं। मोड ऑफ अप्लाई, ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इनका इस्तेमाल पॉन्ड में कैसे किया जाए। तो पॉन्ड के वाटर को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिचार्ज करने के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं उनका बॉल बना लिया जाता है और इन बॉल्स को पॉन्ड के चारों कोनों में रख दिया जाता है और ये जो बॉल होते हैं पानी के संपर्क में बने रहते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के जो बॉल होते हैं ये पानी में डिजॉल्व होने लगते हैं और धीरे धीरे डिजॉल्व होने के कारण से पॉन्ड में मिनरल्स की या न्यूट्रिएंट्स की जो मिलावट है वो संतुलित ढंग से जारी रहती है, जिसके कारण से पॉन्ड की फर्टिलिटी पे या पॉन्ड के केमिकल प्रॉपर्टी पे किसी तरह का विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, फर्टिलाइजर में हम देखें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में होते हैं। इस चार्ट में हमने दर्शाया है कि इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किस मात्रा में किया जाना चाहिए और साथ ही साथ इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले सॉयल का टेस्ट करना जरूरी है। सॉयल में यदि फर्टिलाइजर सॉयल में यदि इनकी रेंज जो इस टेबल पर दर्शाई गई है उसके रेंज में है तब जो रिकमेंडेड डोज है वो दिया जाना चाहिए। और टेबल के दाहिने साइड पे लिखा हुआ है कि यदि फास्फोरस कंटेंट 6 से 12, नाइट्रोजन कंटेंट 50 से 70 मौजूद हैं तो वो सॉयल हाईली फर्टाइल होता है। उस स्थिति में उन्हें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रेंज फास्फोरस कंटेंट का 3 से 6, नाइट्रोजन का 25 से 50 के बीच होता है तो ऐसा सॉयल मीडियम फर्टाइल होता है और इसलिए इन्हें हाईली फर्टाइल करने के लिए और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि सॉयल में फास्फोरस कंटेंट का रेंज 3, नाइट्रोजन कंटेंट का रेंज 25 है तो वो सॉयल लेस फर्टाइल होता है और उसे नॉर्मल करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए निर्धारित मात्रा में फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता होती है। अतः सॉयल टेस्टिंग के बाद ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। फास्फोरस फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस फर्टिलाइजर्स ये अलग अलग रूपों पे मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल के फॉर्म पे इसे प्रदर्शित किया है कि कौन सा फास्फोरस फर्टिलाइजर्स किस मात्रा में किस स्वरूप में रिकमेंड किया गया है। पॉन्ड वाटर में उसका इस्तेमाल इसी रिकमेंडेड डोज के अनुक्रम में किया जाना फायदेमंद होता है। बेसिक स्लैग 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट 114 केजी पर हेक्टेयर और ग्रेनुलर सुपर फास्फेट 57 केजी पर हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है, जिसका इस्तेमाल पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद होता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के बारे में हम देखें, आमतौर पर जो सॉयल और वाटर है ये कुदरती तौर पर पोटेशियम और पोटेशियम फर्टिलाइजर से रिच होता है और पोटेशियम फर्टिलाइजर मौजूद होने के कारण से पॉन्ड में जो एक्वेटिक वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पॉन्ड में नेचुरल फूड की प्रचुरता बनी रहती है। किंतु यदि पॉन्ड में पोटेशियम कंटेंट कम हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाता है और पॉन्ड वाटर एल्कलाइन हो जाता है, ऐसी स्थिति में द पोटेशियम फर्टिलाइजर्स और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स को आपस में समान मात्रा में मिक्सअप करके उसे पॉन्ड में अप्लाई करना चाहिए, जो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को रिचार्ज करने में सक्षम होता है।
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की हम बात करें, यदि पॉन्ड में फास्फोरस कंटेंट की कमी है तो ऐसी दशा में पॉन्ड नाइट्रोजन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की समान मात्रा को एक निर्धारित अनुपात में 1:4 में बना करके पॉन्ड में इस्तेमाल करना चाहिए। रीनिंग पॉन्ड में यूरिया और सुपरफास्फेट इन दोनों को 40 से 80 केजी मिक्सअप करके 15 से 20 दिन के अंतराल में अप्लाई करना चाहिए। प्रोडक्शन पॉन्ड में यूरिया और सुपरफास्फेट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 200 केजी पर हेक्टेयर करना चाहिए और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 200 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर करना चाहिए और इसको कई इंस्टॉलमेंट में करना फायदेमंद होता है। यदि इनका इस्तेमाल इंस्टॉलमेंट में किया जाता है तो पॉन्ड वाटर की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें अचानक किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पॉन्ड में एल्गल ब्लूम विकसित हो गए हैं, पानी की सतह पर एल्गल ब्लूम दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में किसी भी तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग पॉन्ड वाटर पे तुरंत रोक देना चाहिए। दूसरा, नर्सरी पॉन्ड में मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए और ये मैन्योर, जिसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, ये महुआ ऑयल केक इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल 2000 केजी पर हेक्टेयर के रूप में करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, नर्सरी पॉन्ड में कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको हम रासायनिक खाद कहते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पॉन्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा एंड फाउना के फ्लरिश होने के लिए अति आवश्यक होते हैं और इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को दूसरे तरह के फर्टिलाइजर के साथ मिक्सअप करके उन्हें पॉन्ड में अप्लाई करना चाहिए। सातवां, हम देखें प्रिवेंशन ऑफ फिश डिजीज। फिश डिजीज का जो मेंटेनेंस है ये बहुत जरूरी है। पॉन्ड वाटर हेल्दी हो, फिशेज हेल्दी हो, तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी और इसलिए फिश को उनकी डिजीज से बचाना अति आवश्यक होता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पॉन्ड में जो फिशेज हैं उनमें कई तरह की डिजीज हो सकती हैं, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, नॉन पैरासिटिक डिजीज, फिश एनेमीज हो सकती हैं, पॉक्स डिजीज हो सकती हैं, अल्सरेटिव सिंड्रोम हो सकता है। तो इन फिशेज में होने वाली डिजीज को पहचानना जरूरी है ताकि समय पर उनका निदान हो सके और फिशेस को इन डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके। फिश में होने वाली जो डिजीज है उनका कंट्रोल कैसे किया जाए, ये इन बिंदुओं पर आधारित है। फिश में होने वाले डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई होने के बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाए, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट उसका रिमूवल होता है और रिमूवल के अंतर्गत यदि वो क्रॉनिक डिजीज है, वो संक्रमणकारी है, उसका कंट्रोल संभव नहीं है, तो ऐसे फिशेस को किल कर देना चाहिए। केमिकल ट्रीटमेंट में उन फिशेस को केमिकल्स के द्वारा फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन, पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरी केमिकल्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जिनके माध्यम से उनमें जो डिजीज है उनमें उनका कंट्रोल संभव होता है। और तीसरा है मेडिसिनल, कई तरह की मेडिसिन का उपयोग करते हुए इन डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। सेपरेशन, ऐसी फिशेस जो किसी डिजीज के द्वारा संक्रमित हैं उन फिशेस को पॉन्ड से छांट करके अलग कर लेना चाहिए और अलग करने के बाद हमने जब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में एक पॉन्ड की चर्चा की थी, क्वारंटाइन पॉन्ड, तो ऐसे डिजीज्ड फिशेस को सेपरेट करके उन क्वारंटाइन पॉन्ड में डाल देना चाहिए
और जहां लक्षण के अनुसार उनका फिजिकल, केमिकल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें मैनेजमेंट में कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी फिशेस, वीड फिशेस एंड अदर प्रीडेटर्स। पॉन्ड में फिश सीट के साथ में कई दूसरे तरह के प्रीडेटरी फिशेस या वीड फिशेस के सीड आ सकते हैं और ये बड़ी तेजी के साथ वृद्धि करके पॉन्ड में मौजूद फिशेस को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में इनका प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। वीट फिशेस ये ऐसी फिशेस होती हैं जिनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है और ये फिश सीट के साथ एक्सीडेंटली पॉन्ड में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और ये बहुत अधिक संख्या में फिश का जो नेचुरल फूड है उसको कंज्यूम करती हैं। प्रीडेटरी फिशेस वो फिशेस होती हैं जो फिश सीट के साथ पॉन्ड में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, ये बड़ी तेजी के साथ ग्रो करती हैं और ग्रो करने के साथ ही साथ ये अपने से छोटे आकार की फिशेस को फीड करने लगती हैं, जिसके कारण से पॉन्ड में कल्टिवेबल फिशेस की संख्या कम होने लगती है। नतीजा पॉन्ड में अंत में जो फिश मिलना चाहिए, जिस क्वांटिटी, जिस वेट में मिलना चाहिए, उतनी तादाद या उतनी मात्रा पे नहीं मिल पाता है। यहाँ पर भी हमने एक टेबल के माध्यम से जो प्रीडेटरी फिशेज हैं और वीड फिशेज हैं उनके नाम प्रदर्शित किए हैं। इन फिशेस को पॉन्ड से जितनी जल्दी हो सके उनकी पहचान करके वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। प्रीडेटर्स की हम बात करें तो फिश प्रीडेटर के रूप में पॉन्ड में जो इंसेक्ट हैं उनमें है प्रमुख रूप से वाटर स्कॉर्पियन, वाटर बक्स, वाटर बीटल, फ्रॉग, फ्रॉग के टेडपोल, स्नैक्स, टॉर्टॉइस, बर्ड्स, ये सब इनके कुदरती प्रीडेटर्स होते हैं। अतः पॉन्ड की आउटपुट को, यील्ड को मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक होता है कि फिश के जो नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं उनसे उन्हें मुक्त रखा जाए, उनको समय रहते उनको रिमूव किया जा सके। नौ, हम देखें आर्टिफिशियल फीडिंग। किन्हीं कारणों से यदि पॉन्ड में नेचुरल फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, ऐसी दशा में पॉन्ड में आर्टिफिशियल फूड अप्लाई करना, उसे सप्लीमेंट करना आवश्यक होता है। नेचुरल फूड के विकल्प के रूप में जो आर्टिफिशियल फूड होते हैं, इन फूड को सस्ता होना चाहिए और आसानी के साथ उपलब्ध भी होना चाहिए तथा इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो जो आर्टिफिशियल फूड हैं वो राइस ब्रान के रूप में, ग्राउंड नट के रूप में, काउ डंग और दूसरे तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनका इस्तेमाल पॉन्ड में आर्टिफिशियल फूड के रूप में किया जा सकता है। दसवां, फिशिंग और हार्वेस्टिंग। पूरी फिश फार्मिंग के दरमियान सारे जो रिकमेंडेशंस हैं मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के, उनको फुलफिल करने के बाद ये आवश्यक होता है कि फिश पॉन्ड में जब फिशेस वेल ग्रोन हो जाती हैं तो समय पर उनकी हार्वेस्टिंग कर लिया जाना चाहिए और हार्वेस्टिंग करते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि फिश की जो मार्केट डिमांड है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग डिमांड अच्छी होने से प्रॉफिट फार्मर को बहुत अच्छा मिलता है। आइए अंत में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के पश्चात यदि सक्सेसफुल फिश फार्मिंग की जाती है, उसका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस टाइमली किया जाता है, तो इसके बावजूद भी पहले साल पॉन्ड में
फिश की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता वांछित आवश्यकता से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉन्ड में कई तरह की ज़रूरतें एक वर्ष के बाद ही दिखाई देने लगती हैं। पॉन्ड का जो फॉल्ट होता है वो एक साल के बाद ही दिखाई देता है और इसलिए इनका मेंटेनेंस अति आवश्यक होता है। दूसरा, पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए पॉन्ड वाटर और पॉन्ड वाटर का ट्रीटमेंट अति आवश्यक होता है और इसलिए पॉन्ड मैनेजमेंट के तहत फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल ट्रीटमेंट भी आवश्यकता अनुसार समयबद्ध किया जाना जरूरी होता है। इसी दरमियान जो वाटर सोर्सेज हैं उससे संबंधित जो अन्य समस्याएं हैं, पॉन्ड से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समय रहते निदान कर लेना फिश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग के द्वारा जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल से बचना चाहिए। संक्षेप में हम ये कहें कि ट्रेडिशनल मेथड्स को मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा रिप्लेस करने से पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी हेल्दी रहती है और फिश का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और फिश का प्रोडक्शन जब अच्छा होगा तब हम उसको कहेंगे सक्सेसफुल फिश फार्मिंग, और यही सक्सेसफुल फिश फार्मिंग है जो फार्मर्स को फाइनेंशियली साउंड बनाता है और साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। रेफरेंसेस क्रमिक रूप से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।